अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम दोनों हमारे साथ हो या नहीं, जो तय करना है ना जल्दी कीजिए। हमें भी पता होना चाहिए कि तुम दोनों से हाथ मिलाना है या फिर तुम लोगों के भी नाक पर क्लोरोफॉर्म लगाना है। माँ, माँ ये कोई धोखेबाज है। अपनी जैसी शक्ल है इसके, इसलिए फायदा उठा रही। हमें वहां पागल खाने में बंद कर दिया और खुद यहां हमारी जगह ले। हम सच कह रहे, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये? हमारे पति को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमें पहचानिया बेजी, आपकी बिंदिया। हमको थप्पड़ मार के क्या झूठ को सच साबित कर दोगी? तुम हो कौन? तुमको छोड़ेंगे नहीं हम।
हमारे पास, हम भी गोंडा से हैं। अरे तुम जैसे धोखेबाजों का भांडा तो फोड़ के रहेंगे। अभय जी, माँ, हमरा यकीन कीजिए, हम ये असली बिंदिया है। इसने हमारी जगह ली है। कुछ तो कर हरिशंकर, सबको यकीन हो गया कि ये नकली बिंदिया है तो तू कहीं का नहीं रहेगा। आप ही बताइए अभय जी, क्या पिछले कुछ दिनों से आपको इसका बर्ताव अलग नहीं लगा? ऐसा नहीं लगा कि शायद ये बिंदिया नहीं है? बोलिए ना, सच और झूठ सब सामने है। अरे आंख खोल के देखिए इसको, कहां पागल जैसी लग रही है बिंदिया ये। इसको देखिए, अब है कि जो बिंदिया है ना वो बहुत सुंदर है, नजर भर के देख लो तो नजर नहीं हटती है। अरे हमारे लिए ना यही बिंदिया असली है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है पत्नी जी, ना जाने कौन से पागल खाने से भाग कर आई है और कहने लगी खुद को बिंदिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जीजा जी, ये पगलेट किस एंगल से हमारी बिंदिया लग रही है? नहीं नहीं, यही असली बिंदिया है, हमें भी ऐसा ही लगता है। हमारी ये हालत पागल खाने वाले लोगों ने की है, हमको बंदी बना के रखा था। वो सब लोग इस धोखेबाज बहरूपे से मिले हुए हैं। अभय जी, ऐसे कोई भी हम पे इल्जाम लगा सकता है क्या? हम मानते हैं हमारे स्वभाव में थोड़ा बदलाव आया है, पर वो इसलिए क्योंकि हमारे सर पे चोट लगी है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम आपकी बिंदिया नहीं है। जाने ये कौन है, क्यों यहाँ आकर ऐसी सब बातें कर रही है? जाने कौन से दुश्मन से मिली हुई है, क्यों ये सब नाटक कर रही है, किसके कहने पर कर रही है, हम कुछ भी नहीं समझ पा रहे। बस इतना जानते कि ये झूठी है, नकली आंसू बहा के हमरे अभय जी को बरगला रही हो। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मेरे होते हुए घर में ये सब नहीं होगा। फेंक दो ये हथियार। देखा अभय जी, है ना ये नकली बिंदिया, कैसे हार मान ली इसने। अभय जी, हम सच्चे और सच्चाई कभी हार नहीं मानती। अभी सच सामने आ जाएगा।
फिंगरप्रिंट्स की जांच होगी। चुपड़ी भैया जी, फिंगरप्रिंट्स की जांच हो जाएगी तो सारा सच सामने आ जाएगा। क्या करेंगे हम लोग? अरे क्या होना है, तुम्हारे षड्यंत्रकारी पतिदेव जाएंगे जेल। अब तुम करो फिक्र, हम तो बस चुपचाप खड़े हैं। हमारी बात पे यकीन करती है ना कि हम ही बिंदिया है? बिना बात माँ को बहकाने की कोशिश मत करो। माँ, आप इसकी झूठी बातों पर यकीन मत कीजिएगा। हमें बिंदिया, जिसको आपने अपनी बेटी मान ली है, याद है ना आपको, जब बाबूजी आपके साथ नहीं थे तब हम थे आपके साथ। इसे ये सारी बातें कैसे पता है? जब अभय जी आपसे बात नहीं कर रहे थे तब भी हम आपके साथ खड़े थे। मिठाई और उसके बेटे शक्ति, उसको भी घर से निकालने में कितनी कोशिश की हमने। घर के सभी लोग उससे मिल गए थे, फिर भी हमने अभय जी से बोल के माफी दिलवाई। आप सब लोग तो ये सब बातें जानते हैं ना। सासू माँ, बात तो ये सही कह रहे हैं, अम्मा ये सारी बातें तो बिंदिया को पता होनी चाहिए। और बोल कौन रहा है? ये तो मतलब असली बिंदिया यही है। हाँ माँ, हमें भी ये लगता है असली बिंदिया यही है। नहीं, तुम बिंदिया नहीं हो। मंत्रालय के रिकॉर्ड्स में असली बिंदिया भारद्वाज के फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। इसके फिंगरप्रिंट से मैच हो रहे हैं। आपको बस रिकॉर्ड्स में हमारी सीएम साहिबा बिंदिया जी के फिंगरप्रिंट्स बदलने हैं,
हुका है ना, हमारी जो नकली बिंदिया है उसने गलती से अंगूठा लगा दिया सरकारी कागज में। अब वो जांच के लिए आए, उससे पहले रिकॉर्ड्स में ही फिंगरप्रिंट्स चेंज हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। बुझे? जैसे अभय जी, जरूर ये भी इसकी कोई चाल होगी। हमने यकीन कीजिए, हमें असली बिंदिया ये तो झूठी है, मक्कार है। ये है हमारी बिंदिया, हमारी बहू, जिसे हम बेटी से भी ज्यादा मानते हैं। और अब तो सब कुछ साबित हो गया ना, असली है और कौन नकली। तू ना, तू तो कोई सातिर बदमाश है जो अपनी सकल का फायदा उठाने के लिए यहां चली आई। हम सब जानते हैं। अरे लेकिन ये है कौन और आई कहां से है? अभय सर, हम इनको लेने आए हैं। आज तू नहीं बचेगी। ये हमारे पागल खाने की मरीज है। वार्डन मैडम को सर पे मार के पागल खाने से भागी है। 3 साल से हमारे पागल खाने में कैद थी, आज इसे मौका मिल गया उन्हें घायल करने का। ये सच नहीं अभय जी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। सर, इसमें सारे डिटेल्स हैं। सर, इस लड़की पे मर्डर का चार्ज है। ये पुलिस से बचकर भाग रही थी, एक एक्सीडेंट की वजह से अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। किसका मर्डर किया इसने? सर, ये एक नाचने वाली है। सर, इसका एक डांस प्रोग्राम चल रहा था। उस आदमी ने इस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, फिर इसने उसको चाकू मारकर मार डाला। पुलिस की जीप इसका पीछा कर रही थी, इसका एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठी।
सब फालतू की कहानियां हैं अभय जी। आप हमारा विश्वास काहे नहीं कर रहे, हम सच कह रहे हैं। अभय जी, हो सकता है ये जो इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं वो इस हम शक्ल की कहानी हो। हम सच कह रहे हैं अभय जी, हम सच्चे हैं, भोलेनाथ की कसम। भोलेनाथ को बीच में लाकर झूठ को सच साबित करने की कोशिश मत करो। बस, और कुछ नहीं सुनना है मुझे, लेकर जाइए इसे। हमें तो लगा था कि हमें कुछ साबित नहीं करना पड़ेगा, आप हमारी आंखों में देख के पहचान जाएंगे कि हम ही आपके बिंदिया। पर आप तो भोलेनाथ सबके साथ, पर शायद आज हमने साथ नहीं है। ले जाइए इसे। छोड़ो। और आप जाकर जरा छानबीन करिए कि ये पागलखाने से भागने में कामयाब कैसे हुई, और इसे यहां आकर झूठ बोलने के लिए किसी ने भेजा या ये खुद यहाँ चली आई। अबे जी रोकिए, हम सच कह रहे हैं, ये हमको ले जा रहे हैं, अबे ये हमें ले जा रहा है। अबे जी